Actually, I'm really sorry, Mom. मैं आज अच्छा मंडे कुछ नहीं कर पाया। आज मदर डे था, काम भी बहुत कुछ ऐसा था। मदर डे के बारे में याद आ रहा है तो तेरे लिए एक लाइन लिख रहा हूँ। हैप्पी मदर डे मॉम। मॉम आपको तो मेरे साथ मैं चट्टान हूँ अपने साथ और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना मुझे। जो लोग माँ बाप के कदर नहीं करते तो उनके लिए दांत बोल रहा हूँ, तो उनके लिए दाल लिखी है। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उन्हें पूछो ना, ना होने का दर्द क्या होता है वो बताएंगे, उनका ना होने का एहसास क्या होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, तो देखिए सुनने पूरे सुने। पहले मैं भी खुद अपने माँ बाप की कदर नहीं करता था, तो मुझे एक दोस्त मिलता है। पहले हम तो अनजान होते हैं, जैसे जैसे हम लोगों की दोस्ती अच्छी होती रहती है, हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो आपको जैसे पता होगा कि अनजान लोगों को अपने बारे में ज़्यादा कोई कुछ नहीं पता था। तो हमारी दोस्ती ऐसी बढ़ते गई, तो एक दिन ऐसे ही रो रही थी जो मेरी दोस्त होती है, रो रही थी। तो अकेले बैठे मैंने पूछा, क्यों रो रही है, क्या हुआ था जो तुम आप सो रहे हो अकेले बैठे। और मैं दोस्त बोलते हमें बताएंगे, तो ये बोलती है, सुनिए गौर से सुनिएगा। आज बहुत मॉम की मुझे बहुत याद आ रही है। मैंने कहा, क्या आप कहाँ रहते हो। तो बोली, मैं तो घर में ही रहती हूँ। तो मैंने कहा, मॉम कहाँ है आपकी। तो जो मॉम से आपकी बातें नहीं होती, मॉम को मिस कर रहे हो, कैसा क्या हुआ। तो वो कहती है, बोलती है, मेरी नाम मॉम है, मैं डैड है। उन्होंने बचपन पे खो दी थी, मैंने तो उन्हें देखा थी। तो मैंने कहा, ओ माय गॉड, तो वो बोलती है, आज मदर डे है। तो मुझे मेरी मम्मी के पास होती तो इतना अच्छा होता, आज उनकी बहुत याद आ रही है। तो मैंने कहा, अरे मत जा, वो जी तो तुझे देखिए, तुम्हारी मम्मी अभी जहाँ भी हुए और भी रोने लग जाएंगे। तब मुझे अपनी मंडर की याद आई। मैंने तो उनकी कभी भी इज्जत या कदर नहीं की। तो मैं क्या जानता था मंडर मम्मी पापा की थी। इतनी ना होने से इतनी पूरी होती है। तो उनके लिए मैंने एक लाइन लिखी है, तो आप इसका अच्छा लगे तो कोई सुनना, अच्छी लगे तो बताना करने को कहती है। माँ तेरी भी बातें और ममता भरी नजर है, तुझे तभी दुख होता है जब मुझे कुछ हो जाए। मैंने पहला कदम बढ़ाया था, जब मैंने पहला कदम बढ़ाया था तो मेरे साथ थी। तुम तो वो भी हो ना, मैं और आप ही मेरे पहली गुरु और पहला मित्र हो। मेरे तुम की शुरुआत ही आपकी आवाज से होती है और प्रारंभ तेरी लंबी उम्र के लिए माँ मैं दुआ करूँ। इस भगवान से तू ही रहे हमेशा मेरे साथ, ये ही हमेशा। मैंने पूजा है तुम्हें और पूजन भी हर पल, तुम ही को अर्पण है ये जीवन। मेरे लिए तो मेरी माँ ही मंदिर है,
और उसकी ममता ही पूजा। मेरे तो एक वो ही भगवान है और कोई ना पूजा। ये मेरी कहानी है और एक छोटी सी जिंदगानी है और आत्माएं जो कुछ हैं मोहब्बत आपकी ही मेहरबानी है। आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे मिले। मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि मैं जब भी दोबारा दुनिया में जन्मूँ तो आप ही को पाऊँ, आप ही मेरे मेहमान बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। गुड नाइट। टेक केयर।